रास्ता से मुक्ति से अनुभव करना होगा, कोई हम मानेंगे उसको पहले व्यासा नहीं करेगा। बेटा हम लोग मुजफ्फरनगर से यहाँ पे पहुँचे हैं धरना स्थल पे। क्या नाम है आपका? अंकित शरावत। अभी आप कितने समर्थकों के साथ पहुँचे हैं? हम लोग यहाँ पे 50-60 लोग अभी पहुँचे हैं और लगातार 5-6 गाड़ियाँ और आ रही हैं। जितने भी कॉल आ रहे हैं हर जगह से यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं। बिजनौर के साथ ये भी पहुँचे हैं, मुरादाबाद से साथ ये भी निकले हुए हैं, बुलंदशहर से साथ ये भी निकले हुए हैं, मेरठ के साथ ये भी मोहन नगर में खड़े हुए हैं, मोहन नगर से वो लोग आगे निकल चुके हैं, बड़ौद से मुश्किल से 5 या 10 मिनट में बड़ौद के साथ यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पे किसान समझने का नहीं, इतना किसान यहाँ पे होगा। हम लोग सोचते थे जो हुआ गलत हुआ, सब लोगों ने कहा जो लाल किले पर क्या सूचना क्या मिली थी आप लोग की, आप लोग यहाँ आंदोलन पर आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? नहीं मिली थी, जो चौधरी साहब को इन्होंने साकेत शिकायत दी हमको मानसून निकले ना, वो सहन नहीं होगा, वो सहन नहीं होने का। हम यूनियन के नहीं है, लेकिन चौधरी साहब की जो अंकों में मानसून निकाले किसान हम भी हैं। हमें रोना इस बात का है, किसान की अब बिल्कुल हथकड़ी इन्होंने, हम उसमें थे, हम भी रैली में थे, क्या पुलिस वाले नहीं है? क्यों लगाई यहाँ अक्षर धाम तक बैरिकेड क्यों लगाई? आगे क्यों नहीं लगाई बैरिकेड? आईटीओ वाले रास्ते खुले पड़े, पुलिस वाले से हमने पूछा, मैं कहा भाई गाजीपुर के लिए लाल किले की तरफ का रास्ता बता रहा, एक आदमी स्कूटी पे जा रहा था, मैं कहा भाई गाजीपुर के लिए, कहने लगे भाई ये तो लाल किले वाला रास्ता है, आप इधर से निकलो गाजीपुर के लिए, आम आदमी रास्ता बता रहे, पुलिस वाले हमें लाल किले भेज रहे, पुलिस का डर होगा, एक तो स्टार डर होगा, उसने मुझे खुद कहा, कहने लगे आप इधर से जाओ, ये सामने लाल किला है। अरे हम लाल किले पर थोड़ी जाने के लिए आए, हम तो अपना मार्च करेंगे, हम लोगों को लगा कि हम गलत आए, हमने कई जगह पुलिस वालों से पूछा हम किधर जाए। अब आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ पे आंदोलन? अब जाने के लिए आए नहीं हम तो, कितने समर्थक और आ जाएंगे अब? अभी मैं आप संख्या देखोगे जितनी संख्या है, इससे 3 गुना 4 गुना संख्या आपको सुबह तक 5 घंटे के अंदर हो जाएगी, 5 घंटे के अंदर इससे मुझे फंडनगर से आने में 3 घंटे। सिसोली में कोई महापंचायत भी हुई थी? अभी सिसोली में शुरू की पंचायत हुई, सुबह 3 बजे से पंचायत शुरू हुई, 6 बजे तक पंचायत चली। बड़े चौधरी साहब ने कहा भाई अभी तो देखो ऐसा हो गया आंदोलन में, जैसे भी भाई जो हुआ गलत हुआ, और हमें लग रहा कि पुलिस हमारे साथ तक खा देगी वहां से, भाई आंदोलन खत्म होगा दोबारा से आंदोलन शुरू करेंगे, सब लोगों को लगा भाई हौसला डाउन था ही सभी का। लेकिन जैसे जैसे हम वो पंचायत खत्म करके वापस चले, चौधरी साहब किसानों बदतमीजी शुरू कर दी, प्रेसराइज शुरू करना शुरू कर दिया राकेश टिकैत जी को, उसके बाद में दोबारा पंचायत हुई सिसोली में, और दोबारा पंचायत होकर घोषणा हुई कल की पंचायत पहले मुजफ्फरनगर के अंदर होगी राजकीय मैदान में, जिसमें 1 से 1.5 लाख आदमी होगा, 1 से 1.5 लाख आदमी मुजफ्फरनगर में होगा, और वो गाजीपुर कूच करेगा, अब कोई आदमी रुकने वाला नहीं है। कल 1 से 1.5 लाख किसान गाजीपुर तक पहुंचेगा? गाजीपुर पहुंचेगा 100% पहुंचेगा कल तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश अब तक तो केवल आ ही नहीं रहा था भाई। अभी आप यूपी गेट पहुंचे हैं, इस बीच कहीं पुलिस ने आपको बैरिकेड से रोका या कहीं बैरिकेड से रोका है? सबसे पहले उससे हमें सबसे पहले दादरी में रोका गया, दादरी में हमने पूछा कहाँ पे जा रहे हो, हमने कहा हम लोग गाजियाबाद जा रहे हैं, गाजियाबाद क्या काम है, हम लोगों ने कहा हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम लोगों को तो गाजीपुर पहुंचना था, फिर हम यहाँ से मोहन नगर से मुड़े, उसके बाद में हमें रोकने का प्रयास किया, फिर यहाँ पे आने के बाद में हम लोग किसान आंदोलन के नाम पर निकले, उन्होंने बैरिकेड हटा दी, हम लोग निकल गए। क्या नाम बताया आपने? अंकित शरावत। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से आए हैं।